नमस्कार दोस्तों, बागवानी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम गेंदे की कटिंग को कैसे ग्रो करें इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दो पौधे मैंने कटिंग के साथ ही ग्रो किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये मेरे पास दो कटिंग है। देखिए, ये कटिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल आगे से मैंने हल्का सा इसको छील लिया है, क्योंकि इसकी जो रूटिंग है वो यहीं से निकलेंगी। और ये जैसे कि आप कटिंग देख रहे हो, इस कटिंग की रूटिंग जल्दी हो, आसानी से हो, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक एलोवेरा की। इसके जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसको रूटिंग जेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये जो जेल है रूटिंग के लिए बहुत लाभदायक है और इससे रूटिंग बहुत जल्द होती है। हमारी कटिंग काफ़ी नाजुक होती है, तो इसके लिए पहले इसमें अंदर थोड़ा स्थान बना लें। ये देखिएगा, इस कटिंग को आप इस रूटिंग जेल में डिप कीजिएगा। ये देखिए, रूटिंग जेल इस पे लगाने के बाद आप इस कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिएगा। ये देखिए, इसमें भी पहले हल्का सा गड्ढा सा बना लें। देखिए, अब इसमें इस कटिंग को डाल दीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कटिंग हल्की सी टेढ़ी हो तो बहुत जल्दी ग्रो करती है। मैंने इस मेथड को यूज़ किया है और मेरी ये जो कटिंग आप देख रहे हो, ये इसी ढंग से ग्रो हुई है। ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए, एक कटिंग हमारी लग चुकी है। अब दूसरी कटिंग को भी ऐसे ही उठा लीजिए और एलोवेरा जेल में इसको डिप कर दीजिए ऐसे। ये देखिए, एलोवेरा जेल में इसको डिप करके मिट्टी में लगा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हल्की सी टेढ़ी अगर हम किस कटिंग को लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। ये देखिए, इसमें पहले एक हल्का सा खड्डा बना लें और इस कटिंग को थोड़ी सी तिरछी इसमें दबा दीजिए, तो बहुत जल्दी ये कटिंग ग्रो करती है। ये देखिए, अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल दीजिए। आपकी कटिंग लग चुकी है। 10 से 12 दिन के अंतराल में ये कटिंग लग जाती है और इसमें जड़ें निकल आती हैं। ये कटिंग आपकी लग चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, इस कटिंग को आपने तेज सनलाइट से बचाना है, इसको बहुत कम धूप जहाँ आती हो वहाँ पे रखिएगा, या तो प्रॉपर इसको शेड में रख दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।